एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित करी थी वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहाँ उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध को चेताया है कि बुद्ध आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रच रखा हो, लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहाँ जाने से खुद को नहीं रोक पाते। सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का ये प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध ना दे सके, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दे देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। अचानक वहां एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा का ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, अरे स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या है? फिर कोई और खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है। लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध ईर्ष्या करता था, वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ पर एक आवश्यक बात आपको समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था, ना तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोप का। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, वह अपनी नजर में ठीक थे। सूत्र यही, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नजर में ठीक है, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए भिक्षु भी संदेह में पड़ गए थे, लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है और यही आवश्यक था, इसीलिए उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आया था। राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब ये बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी।
उस सभा का ही एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह गलत साबित हो गई, तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुन उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी जिससे लग रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य और आपकी ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।